इन दिनों एक नई बीमारी की चर्चा खूब हो रही है, जिसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अलर्ट जारी किया है। इस नई बीमारी को डिजीज एक्स नाम दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी से दुनिया पूरी तरह नहीं उबरी है और जानकार नई बीमारी के दस्तक की आशंका जता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अगली महामारी कम से कम 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। साथ ही माना जा रहा है कि ये COVID-19 से ज्यादा घातक हो सकती है। WHO के मुताबिक डिजीज एक्स कोरोना महामारी से 7 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इस बीमारी से 5 करोड़ से अधिक लोगों की मौत होने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार ये बीमारी कभी भी दस्तक दे सकती है। ये वायरस खुद को काफी तेजी से म्यूटेट कर रहा है, जिसकी वजह से एक नए स्ट्रेन आने की आशंका जताई जा रही है। आपके मन में 2 सवाल आ रहे होंगे, ये म्यूटेट क्या होता है और ये डिजीज एक्स क्या है। सबसे पहले जानते हैं म्यूटेशन में क्या होता है। म्यूटेशन में जो मूल वायरस होता है वो खुद को बचाए रखने के लिए खुद की लाखों कॉपी बनाता है। इसमें म्यूटेट वायरस मूल से अलग होता है और काफी खतरनाक होता है। एक इंसान से दूसरे इंसान तक या जानवर से इंसान में जाता है तो इसकी हर कॉपी अलग होती जाती है। यानी म्यूटेशन का मतलब होता है किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव। जब कोई वायरस खुद की लाखों कॉपी बनाता है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक या जानवर से इंसान में जाता है तो हर कॉपी अलग होती है। कॉपी में ये अंतर बढ़ता ही जाता है। इस तरह कुछ समय बाद एक नया स्ट्रेन सामने आता है। इस नई बीमारी को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि डिजीज एक्स के कारण स्पेनिश फ्लू जैसी तबाही हो सकती है। एक रिपोर्ट से मिली जानकारी की माने तो ब्रिटेन में इसकी वैक्सीन पर काम शुरू हो चुका है। वैज्ञानिकों ने इस डिजीज एक्स से लड़ने के लिए 25 अलग अलग तरह के वायरस की स्टडी की है। वैज्ञानिकों ने जानवरों में पाए जाने वाले उन वायरसों की स्टडी पर फोकस किया है जिनका इंसानों में फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से और जंगलों का सफाया होने की वजह से कई प्रकार के जानवर मानव आवासीय क्षेत्रों में रहने के लिए आ रहे हैं। इसकी वजह से बीमारी के फैलने का खतरा और भी बढ़ चुका है। अब जानते हैं डिजीज एक्स क्या है। ये खुद में कोई वायरस या बीमारी नहीं है, लेकिन एक टर्म है जिसका इस्तेमाल ऐसे वायरस, इन्फेक्शन या बीमारी के बारे में किया जाता है जिसका वर्तमान में किसी को नहीं पता होता है। और ऐसी एक बीमारी फैलने जा रही है जिसके बारे में दुनिया में किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है, ये बीमारी कोरोना से भी खतरनाक साबित होगी या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।